व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान। एंड गाइस, हमारा आज का जो वर्कआउट होने वाला है वो होने वाला है हमारा होम वर्कआउट हमारे बाइसेप्स मसल्स के लिए। बाइसेप्स को हम ओवरऑल तरीके से ट्रेन करेंगे और बिना जिम जाए हम घर पे ही कुछ पत्थर और ईंटों की मदद से हमारे बाइसेप्स को पूरी तरह से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एक हार्ड और पंप वाला बाइसेप मिलेगा। सो गाइस, वीडियो को लंबा ना करते वीडियो करते स्टार्ट। सो हमारे बाइसेप वाले वर्कआउट रूटीन में हमारी जो फर्स्ट नंबर की एक्सरसाइज होने वाली है वो हम बॉडी वेट के साथ में करने वाले हैं। और आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और आपके बाइसेप्स में, ये आपकी जो बाइसेप्स हैं इनमें एक अलग मास बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट होने वाली वो हम करने वाले हैं चिनअप्स। देखिए, इस तरह से आपको कोई भी ऊंचाई वाली जगह पे, आपके घर में अगर घर पे वर्कआउट करो तो कुछ भी किसी तरह का पिलर होगा या सेल्फ होगा या इस तरह से अगर रॉड लगी हो तो आप उस पर लटक सकते हो। देखिए किस तरह से ये ग्रिप कर दिया, अब यहाँ पर सीधा ऊपर ये आपका बाइसेप मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्लो डाउन एंड अप, पूरा लोड आपके बाइसेप पे आएगा, पूरा ऊपर और स्लो डाउन। मैक्सिमम रिपीटेशंस लगाना है आपको, बिल्कुल कंट्रोल में। इस तरह से आपको एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करना है, जो थी आपकी चिनअप्स, आपके बाइसेप्स के लिए मास बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो गाइस, हमारा जो सेकेंड वर्कआउट होने वाला है वो हम एक पत्थर के साथ में करेंगे। देखिए, ये इतना भारी पत्थर है, ये होगा कम से कम 20 किलो या 25 किलो के आसपास, 20 से 25 किलो इसका वेट है। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लेना है कि जिससे आप कम से कम 15 से 20 रिपीटेशंस लगा सको। तो देखिए, इसको क्या करना, एल्बो एक जगह फिक्स कर दी, ये देखिए अब बाइसेप पूरी तरह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ सीधा ऊपर और स्लो डाउन, पूरा नीचे आएंगे लाएंगे कंट्रोल में, पूरा ऊपर इस तरह से। पत्थर से भी आप आपके बाइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो। एक भारी पत्थर आपको ढूंढ लेना है जिससे आप आराम से 12 15 20 रिपीटेशंस लगा सको। ये इस तरह से आप 15 से 20 रिपीटेशंस के बीच में आपके लग जाए, इतना भारी आपको वेट लेना है और इसके 3 सेट लगाने हैं। सो गाइस, हमारा जो थर्ड वर्कआउट होने वाला है वो हम ईंटों के साथ में करेंगे, ब्रिक्स के साथ में, ब्रिक्स कर। देखिए किस तरह से परफॉर्म करना है आपको, क्या करना है, ये दो ईंटें हैं। अब आप इससे मैक्सिमम रिपीटेशन तो आप 100 भी लगा सकते हो, लेकिन जब आप इसको स्लो मूवमेंट में लगाओगे माइंड मसल कनेक्शन के साथ में, तो आपके रैप ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और आपका जो बाइसेप मसल है ये ज़्यादा इंगेज होने लग जाएगा। तो देखिए, इस तरह से ईंटों को आपको रख देना है, ये ईंटों को आपने रखा, अब यहाँ से क्या करोगे आप, आपको सीधा ऊपर उठाना, ये और स्लो डाउन, ये आप बिल्कुल कंट्रोल में लीजिए, पूरे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर लाएंगे और स्लो डाउन, ये साइड से देखो, ये जब आप कंट्रोल में लगाओगे तो 20-25 रिपीटेशन में ही आपका जो मसल है वो फेल हो जाएगा। और हमको यही करना है, जब हमारे पास लिमिटेड वेट होता है या कम वेट होता है हमारे पास में, तो हमको माइंड मसल कनेक्शन के साथ में, कम रेस्ट के साथ में, हमको स्लो मूवमेंट करना है माइंड मसल कनेक्शन के साथ, जिससे हमारे बाइसेप्स पर कम वेट से भी हम ज़्यादा वेट डाल सकें। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, जो थी आपकी ब्रिक्स कर्व्स। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, इसको आपको इस तरह से जो हम जिम में करते हैं इस तरह से घुमा के नहीं लगाना है, ये आपको नॉर्मल रखना है। बाइसेप्स को यहाँ पे आपने एंगेज कर दिया, एल्बो आपकी बेंट है, ये बाइसेप आपका एंगेज हो गया, अब यहीं से ऊपर और स्लो डाउन, ये ऊपर ये स्लो डाउन, इस तरह से आप ये थर्ड एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे। सो गाइस, हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 4 होने वाली है, जो आपके बाइसेप्स में, ये जो आपका बाइसेप पीक होता है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो हम जिम में करते हैं प्रेशर कर्ल, उसी की तरह की एक्सरसाइज है, जो है हमारी कॉन्सेंट्रेशन कर्ल, जो हम डंबल से करते हैं उसी तरह से हम ईटू के साथ में करेंगे। आपको ये आपका जो ट्राइसेप मसल है इसको यहाँ टिका देना है था आपकी थाई पे, और यहाँ से ईंट को सीधा ऊपर उठाओगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्लो डाउन, ये अप और स्लो डाउन, बिल्कुल कंट्रोल में। और ग्रिप आपको ईंट जो आपने पकड़ रखी इसको बिल्कुल टाइट ग्रिप करना है, ये अप ये स्लो डाउन, ये अप स्लो डाउन, ये अप ये स्लो डाउन, इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे। एक साइड से हो जाए, फिर दूसरी साइड से आपको ये अप ये स्लो डाउन, ये अप ये स्लो डाउन, ये अप ये स्लो डाउन, पूरा आपके बाइसेप पिक पे लोड आएगा, बिल्कुल कंट्रोल में आपको लगाना है। ऊपर लेके आओगे, मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, स्लो डाउन,
मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्लो डाउन। और आपको ये आपकी जो एल्बो इसको नहीं टिकाना, आपको ट्राइसेप्स मसल को टिकाना है और पैर को हार्ड रख लेना है ताकि आगे पीछे ना जाए। और यहाँ से सीधा ऊपर, ये स्लो डाउन, ये इस तरह से आपको एक्सरसाइज नंबर फोर्थ को परफॉर्म करना है, जो थी आपकी ईंट के साथ में ब्रिक्स कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। आपकी जो एक्सरसाइज नंबर फाइव है और जो लास्ट एक्सरसाइज है इस वर्कआउट की हमारे बाइसेप्स के लिए, एज ए वर्कआउट फिनिशर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये आपके बाइसेप्स को भी ट्रेन करेगा और आपके फोरआर्म्स में भी लुक ला के देगा। तो एज ए वर्कआउट फिनिशर और हमारी फाइव नंबर वाली जो एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म करते हैं, ये है आपकी ब्रिक्स हैमर कर्ल। जो हम डंबल से करते हैं वही है हमारी ब्रिक्स हैमर कर्ल। इस तरह से आपको ग्रिप कर लेना है, इस तरह से ग्रिप करना है आपको ईंटों को, यहाँ रखोगे आप सीधा और यहाँ से सीधा ऊपर, ये स्लो डाउन इस तरह से बिल्कुल स्लो, जैसा हमने बाइसेप कर्ल में रखा था कि हमने हमारे बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर पूरा स्ट्रेट नहीं करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ से सीधा ऊपर, वो पूरे कंट्रोल में नीचे ऊपर उठाएंगे तो फास्ट, और मसल को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, ये मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट स्लो डाउन, मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट स्लो डाउन, मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट और स्लो डाउन। इस तरह से आप लगाओगे तो आपका ये जो ब्रिक्स हैमर कर्ल है ये आपको एज ए वर्कआउट फिनिशर आपके बाइसेप्स के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और एक बहुत ही अच्छा आपको लोड आएगा आपके फोरआर्म्स और आपके बाइसेप्स दोनों पे। सो गाइस ये था हमारा कंप्लीट होम बाइसेप वर्कआउट वीडियो, बिना जिम के भी हम बाइसेप्स को किस तरह से हमारे घर में कुछ लिमिटेड ईंट और पत्थरों के साथ में किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। सो गाइस एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं है, आज ही लग जाएं अपने बाइसेप्स को बनाने में, और बाइसेप्स को नहीं ओवरऑल बॉडी को बनाने में लग जाएं, क्योंकि हमारी पूरी होम सीरीज है बिना जिम के बिना इक्विपमेंट के हम सारे मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। आप सारे वीडियोस को देखो और उन लोगों के साथ में शेयर करो जिनको इनकी ज़रूरत है, जो हो घर पे होम वर्कआउट करना चाहते हैं बिना किसी इक्विपमेंट्स के, ईंट और पत्थर के साथ में और बॉडी वेट एक्सरसाइज के साथ में। सो गाइस यहाँ पे करते हैं वीडियो एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। आपके सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करें, जिससे मैं इन फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्कआउट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।